तो अब आप सामने देख रहे हैं जो ये आपके समुद्र के किनारे का सीन है और क्या कुछ लिखा गया हुआ तमिल में। तो चलिए ये आप देख सकते हैं, ये होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पर और समुद्र से यहाँ पर दूसरे देशों में भी यातायात के माध्यम से होता है व्यापार। तो बड़े बड़े होटल्स तक यहाँ आदमी आए तो चलिए आपको समुद्र ले चलता हूँ। और वो आप देख रहे हैं ये समुद्र का किनारा बिल्कुल सामने, ये इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं समुद्र का किनारा, तो चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में और मैं अभी हूँ चेन्नई के बीच पे, चेन्नई बीच के सामने जस्ट किनारे पे हूँ। ये आप देख सकते हैं पालू और हम अब पहुँच रहे हैं समुद्र के किनारे। किनारे का ये अपना जैसे आप देख सकते हैं कि हम वहाँ से बुक कराए हैं और फिर हमें अभी यहाँ से चलना है। तो देख सकते हैं आप समुद्र का किनारा बिल्कुल सामने अब दिख रहा है, पक्षियाँ हैं जो सामने आपको दिख रही हैं। दोस्तों इसको चलना बहुत मुश्किल है, इवन मैं बता दूँ आपको कि पैर पूरा थकता जा रहा है, काफ़ी मुश्किल हुई है चलने में। आप देख सकते हैं चल रही है यार, मेरी प्रॉब्लम्स टू सॉरी ये मुँह से अंग्रेजी सिर्फ इसलिए निकल गया क्योंकि यहाँ पर आने के बाद से सिर्फ आपको तमिल में भाषा तमिल में बात करनी है या फिर इंग्लिश में बात करनी है। तो दोस्तों देखिए अब ये समुद्र का किनारा बिल्कुल मिल चुका है और अब आप सामने समुद्र को देख सकते हैं। हालांकि अभी भी मैं काफ़ी दूर हूँ यहाँ से, तो किनारे पर ये देखिए, मैं मुझे अभी पता चला कि ये बाजार जो यहाँ पे बंद भी लगा हुआ है, ये केवल और केवल शाम को खुलते हैं। और आप देख सकते हैं ये वहाँ से हम कराए हैं और ये भी बीच किनारा और ये आप देख सकते हैं। तो ये दुकानें अभी शाम को खुलेंगी, फिलहाल अभी बज रहे हैं 11 सुबह के, यहाँ पर कम लोग हैं और उसका सिर्फ यही है क्योंकि शाम का यहाँ पे जो मौसम होता है वो काफ़ी अनभावन होता है और ढेर सारे लोग हैं। दोस्तों मैं अभी समुद्र की लहरों को हल्का हल्का सुन पा रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ किनारे, हल्की हल्की समुद्र की लहरों को सुना जा सकता है। तो ये है चेन्नई का बीच मरीन, समुद्र के किनारे हम पहुँचने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी थका हुआ है इस बालू पे चलना, आसान भाषा में कहूँ तो ऊँटों को यूं ही नहीं रेगिस्तान का घोड़ा कहा जाता होगा क्योंकि इस पर सच में चलना बहुत मुश्किल है और वही एक ऐसा जानवर है जो रेतीली मिट्टियों पर यूँ कहें बालू पर बहुत सरपट दौड़ लेता है, चल लेता है। तो दोस्तों अब ये हम बिल्कुल किनारे पर पहुँच गए हैं और आप लहरों को देख सकते हैं कितनी लहरें उफान में आ रही हैं यहाँ से वहाँ तक। समुंदर ये चेन्नई का बीच मरीन बीच और क्या बेहतरीन सीन है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक लहरें पूरे उफान पर हैं। और दोस्तों लेकिन एक बात है, यहाँ बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, पता नहीं ये बदबू की स्थिति है कि ये आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड, ये देखिए आप ये है चेन्नई समुद्र का बीच। तो आप पहुंच चुके हैं, वेलकम टू चेन्नई बीच, समुद्र का किनारा, बेहतरीन लहरें और ठंडी ठंडी हवाएं, किसको पसंद नहीं है। जी हाँ, बात कर रहे हैं इसी बीच की, मरीन बीच की। आप इन कलकल उठती लहरों की आवाज़ को भी सुन सकते हैं पूरी तरह से। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, भीग गए लोग, माय गॉड, व्हाट अ सीन। और ये देखिए पास आता हुआ लेकिन नहीं, ओ सी, ओ माय गॉड, तो लहरें काफी तेज उठ रही हैं। और ये आप देख सकते हैं, देखिए काफी डर भी लग रहा है, पता नहीं कितनी ऊंची लहरें उठ जाएं। ये आवाज ये बुला लिया, वाओ, फैंटास्टिक फील। ये है चेन्नई का बीच,
दिस इज द वेरी नाइस प्लेस, सॉरी, यह बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ प्रमाण है। और ये देखिए लहरे 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 लहरे, ये रहा यहाँ किनारों से डर के नौका पार नहीं और कोशिश करने वालों की कविता। दोस्तों यही समुद्र है, तो चलिए अब आपको करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।